रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरला अपनी बेटी चंपा को लेकर बहुत घमंड करती थी, क्योंकि चंपा वाकई में बहुत सुंदर थी। एक रोज सरला अपनी पड़ोसन विमला से बातें कर रही थी। विमला तो कुछ भी कह ले, लेकिन मेरी बेटी तो लाखों में एक है। भले ही भगवान ने मुझे ज्यादा धन दौलत नहीं दी, लेकिन इसे सुंदर बनाकर उन्होंने मुझ पर उपकार किया है। देख सरला, मैं तुझे हमेशा से कहती आई हूँ, धन और सुंदरता, इन दो चीज पर ही कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अरे विमला, घमंड करने के लिए सुंदरता होनी भी तो जरूरी है ना, और वो यहाँ मोहल्ले में किसी के पास है क्या? सरला विमला को हमेशा अपनी बेटी की सुंदरता के गुणगान गाते हुए दिखती थी, जिससे विमला तो परेशान हो चुकी थी। अब विमला सरला के घर से निकलते हुए खुद से कहते हुए अपने घर आती है। बड़ी आई, अपनी बेटी की सुंदरता पर घमंड करने वाली। कल को जब इसकी बेटी किसी के साथ भागेगी ना, तब इसे अकल आएगी। अब देर रात सभी खाना खाकर सो जाते हैं, और करीब रात के 2 बजे जब बबीता को प्यास लगती है तो वो पानी लेने के लिए उठती है, तो किसी के खुसफुसाने की आवाज उसे सुनाई देती है। ये आवाजें कहाँ से आ रही है? कहीं ये किसी आत्मा की आवाजें तो नहीं, लेकिन ये तो छत से आ रही है। अब जैसे ही बबीता छत पर जाती है तो वो छत का गेट खुला हुआ देखती है, लेकिन अब भी वो आवाजें आ रही थी। और जैसे ही हल्का सा दरवाजा खोलकर देखती है तो उसे छत पर और कोई नहीं, उसकी ननद चंपा दिखती है। ये यहाँ, वो भी इतनी रात गए। वैसे अगर इसे कभी कह ही दो कि शाम में छत से कपड़े ले आ, तो इनकी नानी मरती है। लेकिन कहीं बेबी, आज तो तुमने मेरे साथ जीने मरने की कसम खा लो। मैं तो अभी तुमसे शादी कर लूं, लेकिन कुछ समय और बस, फिर हम दोनों को दुनिया की कोई भी ताकत ना अलग नहीं कर सकती। ये क्या था, मेरी ननंद का विमला आंटी के बेटे के साथ चक्कर चल रहा है? क्या बात है, इस घर की इज्जत और सासू माँ का घमंड अब चंपा ही तोड़ेगी। लगी रहो ननंद जी, मैं चलती हूँ। बबीता को जब ये पता चलता है कि उसकी ननंद का पड़ोस की विमला के बेटे के साथ चक्कर चल रहा है, तो वो बहुत खुश होती है, क्योंकि बबीता की सास सरला चंपा की सुंदरता को लेकर बबीता को खूब सुनाया करती थी। अब अगली सुबह बबीता सब्जी काटते हुए अपनी सास सरला को कहती है। माँ जी, आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोल, क्या बोलना है? माँ जी, मैं क्या कह रही थी, ननंद जी की अब उम्र हो गई है शादी की, तो लड़का ढूंढना शुरू कर दो। तू मुझे बताएगी कि मैं अपनी राजकुमारी सी बेटी के लिए कब और कैसा लड़का ढूंढूं? ना ना माँ जी, मैं तो ये कह रही थी कि अब तो आपको मेरी राजकुमारी ननंद के लिए राजकुमार ढूंढ लेना ही चाहिए। क्यों ननंद जी? इतना सुनने के बाद ही चंपा तो अपने काम पर चली जाती है, और बबीता तो ये सब जानबूझकर ही बोल रही थी। अब चंपा अगले ही दिन अपने दोस्त के घर जा रही हूँ ये घर से बोलकर निकलती है, और इधर सरला देर शाम हो जाने पर अपनी बहू बबीता से कहती है। बहू, चंपा नहीं आई क्या? मुझे तो कहकर गई थी कि अपने दोस्त के घर जा रही हूँ। बता, सुबह से शाम हो गई लेकिन अब तक घर नहीं लौटी। ठीक है माँ जी, मैं अभी फोन करती हूँ। क्या हुआ, फोन नहीं उठा रही क्या? फोन तो बंद आ रहा है ननंद जी का। अब कुछ ही समय बाद विमला के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बबीता छत से विमला के घर में देखने जाती है। जिसका डर था वही हुआ, मौज कर दी ननंद जी ने। क्या गुमान थोड़ा है माँ जी आपका, राजकुमारी बेटी बनी भगोड़ी बेटी। माँ जी, माँ जी। आराम से, क्या हुआ, क्यों इतना गला फाड़ रही है? अरे वो अपनी चंपा पड़ोस की विमला आंटी के साथ। अरे क्या हुआ, क्यों उस चुड़ैल का नाम ले रही है? और चंपा क्या? चंपा ने विमला आंटी के बेरोजगार नल्ले बेटे से शादी कर ली है। क्या, चंपा ने उस विमला के छपरी औलाद से शादी कर ली? नहीं नहीं बहू, तेरी आंखों को धोखा हुआ होगा। सरला, ओ सरला, ये ले लड्डू खा, आज मेरे नालायक बददिमाग बेटे ने पहली बार दिमाग का काम किया है। अच्छा, ऐसा क्या काम किया है सोनू ने? तेरी ननंद से शादी करके अब तेरी ननंद ही तेरी पड़ोसन बन गई है बहू, अब हम भी रिश्तेदार हुए। अरे क्या बात है, पहली बार सच में सोनू ने कोई लायक काम किया है, एक लड्डू तो बनता है। अच्छा रहने दे बहू, रख दे वापस लड्डू, मोहल्ले में भी बांटना है, तेरी सास तो तुझे खाने नहीं देगी। अभी के अभी निकल मेरे घर से, और अपनी नई बहू से कह दियो उसका सरला और उसके घर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है कह दूंगी, चलती हूँ, घर में बहुत काम है, नई बहू आई है, बहुत सारी रस्में करनी है। अब विमला के जाने के बाद ही सरला अपना सर पीट कर बैठ जाती है और अपनी बहू से कहती है।
मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। माँ जी होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन सच कहूँ तो क्या है उस सोनू में, लप्पू सा सोनू है। कमाना वो जानता ना, बोलना ठीक से वो आवे ना उस पे, और चला है मेरी ननद से शादी करने। अरे उसकी गलती तो है ही, लेकिन मेरी बेटी को भी मेरी इज्जत का ख्याल रखना था ना, कहीं का नहीं छोड़ा उसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सरला को अपनी जिस सुंदर बेटी पर गुमान था, आज वो गुमान टूट चुका था। सरला अपनी बेटी की इस हरकत पर उससे नाराज ही नहीं बल्कि उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी। माँ एक कप चाय पिला दो। तू अंदर किससे पूछ कर आई, चल अभी के अभी निकल मेरे घर से। अरे माँ आप गुस्सा क्यों हो रही हो, मैं आपको उनके बारे में बताती तो आप मेरी शादी के लिए हाँ ही नहीं करती, इसलिए मैंने बिना बताए आपसे शादी कर ली। अभी निकल, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है, निकल अभी के अभी यहाँ से। अच्छा माँ आप तो मुझसे गुस्सा है, लेकिन यहाँ मेरी भाभी भी तो है। हाँ हाँ ननंद जी बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। बहू इसे अभी के अभी यहाँ से निकाल और बोल ये मेरे घर में कभी नजर ना आए। मैं तो आऊंगी, बेटी ना सही ननद ना सही, पड़ोसन होने के हैसियत से मैं यहाँ आऊंगी जरूर। इतना बोलकर सरला अपनी बेटी चंपा का हाथ पकड़कर उसे बाहर कर देती है। सारे मोहल्ले वाले चंपा को देख रहे थे, और तभी विमला वहाँ आती है। खबरदार जो तूने मेरी बहू को हाथ भी लगाया, बहू चल तू घर में, सरला से निपट कर आती हूँ मैं। अरे खोल दरवाजा, मैं तुझे बताती हूँ मेरी बहू को घर से निकालेगी। इधर सरला घर में आकर फूट फूट कर रोने लगती है, और उधर विमला चंपा को घर लेकर जाती है और चंपा से कहती है, क्यों सरला की बेटी, तेरी माँ को तुझ पर बड़ा ही गुमान था, अब एहसास हो रहा है उसे कि इतना भी गुमान करना ठीक नहीं है। माँ जी आप मेरी माँ के बारे में क्या कह रही हैं? मैंने सोनू जी के लिए अपना घर अपनी माँ सब कुछ गवा दिया, लेकिन आप कह रही हैं कि मेरी माँ का गुमान टूटा। माँ आप चंपा को कुछ भी मत बोलो, मैंने खुद चंपा के साथ रहने का फैसला किया है, और वो अपना घर अपनी इज्जत सब कुछ दांव पे लगा के आई है। लेकिन कुछ भी कहो सरला को तकलीफ में देखकर मजा आ रहा है। अब अगले दिन चंपा अपनी माँ सरला के घर फिर से जाती है अपनी माँ को देखने के बहाने। अरे भाभी मैं चीनी लेने आई हूँ, एक कटोरी चीनी मिलेगी क्या? बहू बोल दे चीनी खत्म है। चीनी नहीं है ननन जी, मैं तो माँ की आवाज सुनने आई हूँ। चंपा ने वैसे तो बेशक पड़ोस में ही भागकर शादी रचाई थी, क्योंकि वो सोनू को कई सालों से चाहती थी और शुरू से ही उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन वो अपने घर बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी माँ सरला इस शादी के लिए कभी भी राजी नहीं होगी। चंपा ने ऐसे में सोनू से भागकर शादी तो कर ली, लेकिन अब उसे पछतावा हो रहा था कि क्या उसने जो ये फैसला किया वो सही था, क्योंकि अब विमला अक्सर ही उसकी माँ को जलील किया करती और उसका गुमान तोड़ने के लिए उसके घर पर जाया करती, और इसी के साथ अब चंपा भी कभी कभी पड़ोसन के नाते कुछ ना कुछ मांगने के बहाने से अपनी माँ को देखने के लिए पहुँच जाया करती। अब चंपा को बहुत अफसोस होता है, क्योंकि उसी की वजह से उसका घर परिवार और तो और उसकी माँ को भी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।